हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि एग्जाम हुआ था सीएसआईआर नेट जेआरएफ जून 2023 के सब्जेक्ट अर्थ साइंस का, तो आज हम आपको इस सब्जेक्ट की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं कि कितनी जा सकती है। तो अर्थ साइंस की कट ऑफ जानने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एग्जाम सेंटर्स पर जाकर बच्चों के रिव्यू लिए थे और उनसे पूछा था कि एग्जाम का लेवल कैसा आया था। तो बहुत से बच्चों ने वीडियो में भी कमेंट करा और बताया कि जो एग्जाम का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट बताया अगर उन्होंने, तो हमने उसके अकॉर्डिंग रिव्यू के अकॉर्डिंग एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है आपके लिए। और कट ऑफ जानने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर लगभग सभी आईआईटीएन के इंटरव्यू पड़े हुए हैं, जिससे आपको काफी हेल्प हो सकती है, काफी मदद मिल सकती है। तो हमारे उसके लिए हमारे चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको कॉन्टिन्यूसली ज्वाइन होना है तो हमारा टेलीग्राम लिंक भी दे रखा होता है, उस पर जाकर आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वहां पर सारे आईआईटीएंस का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जेआरएफ की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है जनरल की, वो 116 से 120 के बीच में जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की 106 से 110 के बीच में जा सकती है। ओबीसी की 102 से 106 के बीच में जा सकती है। एससी की 86 से 90 के बीच में जा सकती है और एसटी की 80 से 84 के बीच में जा सकती है। वहीं नेट की बात करें तो 104 से 108 फॉर जनरल और 94 टू 98 फॉर ईडब्ल्यूएस। ओबीसी के लिए 96 से 100 और एससी की 76 से 80 और एसटी की 70 से 74 के बीच में जा सकती है। तो ये हमने आपके लिए मेहनत करके, बहुत ही टाइम लगा के हमने आपको एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। और इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब ही करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।